टीएस सिंहदेव जब छत्तीसगढ़ से दिल्ली रवाना होते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, और दिल्ली से जब वापस आते हैं तो डिप्टी सीएम बनकर वापस लौटते हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ये डिप्टी सीएम आखिरी चुनाव के 3-4 महीने पहले क्या कारण है कि आपको बनाया? ई टीवी को पहले धन्यवाद सारे सहयोगों के लिए, और आज भी आप हम लोग की राय लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं पहले भी टीएस बाबा ही था जो गया था, आज भी टीएस बाबा ही हूँ जो वापस आया हूँ। रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जवाबदारियाँ थीं, मंत्रिमंडल के रूप सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारियाँ दी थी, आज भी वो जवाबदारियाँ हैं। केवल एक नाम एक जुड़ गया है उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया है कि शायद और कुछ जो आप रूटीन कर रहे हो उससे ज़्यादा भी कुछ करने की मंशा हाईकमांड आपसे रख रही है। तो प्रयास हमेशा ये करूँगा कि हाईकमांड को और उन सभी साथियों को जिनका स्नेह प्रेम मिलता है, जिस कारण से हाईकमांड ध्यान देता है इन बातों को, जिम्मेदारियों को देने के लिए, उनको निराश ना करूं। जी बाबा, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से नाराज़गी लंबे समय तक जो है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि नाराज़गी थी इसलिए वहां गए, मीटिंग हुई और इस तरह चुनाव से पहले ऐसा डिप्टी सीएम की घोषणा की गई है। नाराज़गी की बात नहीं थी, ये जो मीटिंग थी ये आप लोग भी जान रहे हैं कि पहले ही आहूत हुई थी। इलेक्शन गोइंग स्टेट्स जो हैं उनकी मीटिंग लगातार चल रही है, तेलंगाना की भी चल रही है, राजस्थान की भी चल रही है, मध्य प्रदेश की भी चल रही है, छत्तीसगढ़ की रुक सी गई थी। मैं भी बाहर था, फिर आना था लेकिन किसी कारण से वो टल गया। मैं वापस आ रहा था फिर वापस जाता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ट्रिप में, लेकिन इस बीच में वो टल गई। तो आज का दिन, कल का दिन निहित हुआ कि 28 तारीख को वो बैठक होगी। तो ये बैठक तो चुनाव की स्ट्रेटजी और चुनाव की संपूर्ण तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए ये बैठक थी। उस बैठक में हम लोग को बुलाया गया था, 16 लोग थे बैठक में, कुछ हमारे मंत्रिमंडल के साथी थे, सीनियर लीडर्स थे, सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, बाकी कैबिनेट के साथी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, और हमारे सेक्रेटरीज हैं वो थे, सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो थी, और खड़गे सर थे, राहुल जी थे, वेणुगोपाल जी थे। ये इनकी प्लान्ड पहले से निर्धारित बैठक, तो उसी में हम लोग गए थे और चर्चा शुद्ध रूप से चुनाव के संदर्भ में ही थी। डिप्टी सीएम को लेकर जो होता है कि कहा जाता है कि कहीं अगर आपस में दो नाराज़ हैं लोग, चाहे राजस्थान की बात की जाए, तो डिप्टी सीएम की नियुक्ति कर दी जाए, ऐसे चीज़ें आप देखे भी होंगी, चीज़ें रहती है डेप्यूटेशन जो चीज़ों में दिक्कत होती है। राजस्थान में जब डिप्टी सीएम बने थे तो नाराज़गी वाली बात नहीं थी, वो सीनियर जो नाम थे आगे उनमें से किसी को बनाया था, अभी कर्नाटक में भी बनाया है, यहाँ नहीं बनाया था। अभी उनको हाईकमांड को लगा है कि एक जिम्मेदारी किसी को दो, इस नाम की भी जिम्मेदारी दो, तो उन्होंने दी और मैं अत्यंत आभारी हूँ। आज के दिन अपने माता पिता को स्मरण करते हुए, जिनके वजह से मैं जो कुछ हूँ, अपने सभी साथियों का जिनके स्नेह प्रेम के चलते ऐसा लगता है कि हाँ ये जिम्मेदारी संभाल सकता है, और हाईकमांड सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, भूपेश भाई, मोहन मरकाम जी और हमारे साथी, जिनने ये सोचा कि ठीक है अगर इसको ये जिम्मेदारी मिलती है तो साथ में हम लोग ये काम करेंगे, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे में किस तरह के काम आप कर पाएंगे बाबा? लोगों के पास पहुंचने का समय है, बाकी जो रूटीन काम विभागों के हैं ये तो चलते रहते हैं, लोगों तक पहुंच के उनका विश्वास लेना है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? रूटीन में जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो सबसे आगे रहते हैं, अगर उनको नहीं बनाना है चेहरा तो मुख्यमंत्री से ही हटा देंगे। कहीं का भी अगर होगा कि अगर उनको चेहरे ही नहीं बनाना है तो मुख्यमंत्री के रूप में क्यों रखना, तो मुख्यमंत्री के रूप में रख रहे हैं तो ये आकलन है कि सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं, कई अच्छे काम किए हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में हम इन्हीं को मेंटेन कर रहे हैं चुनाव तक के लिए। ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में आप सीएम होंगे, अगले जो होती है सत्र में, तो हाईकमांड का निर्णय रहता है।